म्यूचुअल फंड्स का रोल तो हमने समझ लिया, पर लीगली कैसे बनते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है इनका, और इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है? NSF 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का तीसरा चैप्टर यानी कि लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसी टॉपिक पर है। आज की इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। NSF 5A एक मैंडेटरी एग्जाम है सेबी द्वारा, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्लियर करना जरूरी है। जैसा हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया, इस चैनल यानी जेड फंड शाला पर हम रेगुलरली इस एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वी विल कवर ऑल 12 चैप्टर्स ऑफ द करिकुलम अलोंग विद देयर क्वेश्चन बैंक एंड मॉक टेस्ट। हम ऑलरेडी अपनी पिछली दो वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, सो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके उन चैप्टर्स को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड ने हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दिया है। मेरा नाम है अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन बैंक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन पर अच्छे से नजर डालेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग होगी और एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ भी फैमिलियरिटी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट? द ऑप्शंस आर द एम्प्लॉई ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिट होल्डर्स और ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड। इसका सही आंसर है सी, यानी यूनिट होल्डर्स। म्यूचुअल फंड्स के केस में बेनिफिशियरीज इन्वेस्टर्स को ही माना जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? द ऑप्शंस आर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज और यूनिट होल्डर्स। डे टू डे मैनेजमेंट टास्क हैंडल करने के लिए AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया जाता है ट्रस्टीज और स्पॉन्सर द्वारा। So the right answer is asset management company. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Whose job is to track the various corporate actions like bonus, dividend or right issues in companies where the mutual fund scheme has invested? The options are registrar and transfer agency, custodian, auditors of the asset management company or unit holders. इसका सही आंसर है B, यानी custodian. कस्टोडियन को समझे तो उसका रोल रहता है सिक्योरिटीज की डिलीवरी देना या फिर उसे एक्सेप्ट करना फंड की बाय और सेल ट्रांजैक्शंस के लिए। सो कस्टोडियन फंड के बिहाफ पर सारी ट्रांजैक्शंस सेटल करता है, और इसका अदर रोल ये भी रहता है कि अंडरलाइंग सिक्योरिटीज और कंपनीज के कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि बोनस, डिविडेंड और राइट इश्यूज को ट्रैक करना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिटेन्ड इन हाउस। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, इसका आंसर बी है, यानी कि फॉल्स। RTA का इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। AMCs इन हाउस भी उन एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकती हैं जिनके लिए वो एक RTA को अपॉइंट करती हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का रोल समझे तो वो इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं और ट्रांजेक्शन जैसे कि परचेज, रिडम्पशन और अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी प्रोसेस करवाती हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स को भी रेगुलरली अपडेट करती हैं, यानी कि उनके फोलियो को अपडेट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड? द ऑप्शंस आर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI, फंड अकाउंटिंग टीम, डिपॉजिटरीज और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि MP। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप में से कई लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। इसका सही आंसर है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि MP। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को MP रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और वहीं अगर SEBI की बात करें तो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। अ स्पॉन्सर शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ - The options are in each of the last 5 years, in 3 years out of last 5 years, in each of last 7 years, या फिर in 2 out of last 3 years. इसका right answer है A, यानी in each of the last 5 years.
सो एज पर सेबी रिक्वायरमेंट्स स्पॉन्सर की नेटवर्क पॉजिटिव होना जरूरी है कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। द एएमसी शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ डैश। द ऑप्शंस आर ₹100 करोड़, ₹50 करोड़, ₹10 करोड़ और 50 लाख। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 50 करोड़। सो एज पर सेबी रिक्वायरमेंट्स एएमसी की मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ की होना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। The auditor of a scheme of mutual fund and the AMC has to be different. State whether the statement is true or false. The options are true or false. इसका सही आंसर है ए, यानी कि true. Mutual fund scheme और AMC का auditor अलग-अलग होना जरूरी है as per SEBI requirements. So बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। If a sponsor controls dash or more shares of a custodian, then they cannot be appointed for the mutual fund operation of the sponsor. The options are 20%, 75%, 40% और 50%. So इसका right answer है D, यानी कि 50%. So अगर sponsors या उनके associate 50% से ज़्यादा shares hold करते हैं custodian के, तो in that case उस custodian को mutual fund operations के लिए sponsors द्वारा appoint नहीं किया जा सकता है। Moving on to our final question. What is the minimum stake that a sponsor needs to hold in the asset management company? The options are no stake required, 40%, 50% और 60%. इसका right answer है B, यानी कि 40%. So as per SEBI requirements, sponsor को minimum 40% stake hold करना जरूरी है asset management company में। So ये तो था NSM 5A के chapter 3 के कुछ practice questions के बारे में। So अगर आपके इन questions को लेकर या फिर chapter 1 या chapter 2 के किसी भी question को लेकर कोई भी questions या queries हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैप्टर 3 के समराइज नोट्स भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप कैसे एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेल करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।